प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ हूं पवन। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ही राज्य में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। इस बीच राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की फुल बेंच की टीम बंगाल दौरे पर आएगी। पर इस बीच पूर्वी मेदिनीपुर जिला में बीजेपी के झंडे फाड़े गए। इसके विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोड जाम भी कर दिया। यह घटना जिले के कांथी थाना क्षेत्र में मंगलवार की रात को हुई। बताया गया है कि पूर्वी मेदिनीपुर में कांथी पुलिस स्टेशन के देशपान ब्लॉक कार्यालय में मुकुंदपुर जाने वाली सड़क पर कई जगहों पर भाजपा के झंडे और पोस्टरों को फाड़ दिया गया और झंडों और पोस्टरों को जमीन पर बिखेर दिया गया। झंडे फाड़ने की घटना का आरोप स्थानीय असामाजिक तत्वों पर लगाया गया है। कहा जा रहा है कि स्थानीय उपद्रवियों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाया और इस दौरान तांडव मचाया। पोस्टर और झंडे फाड़ जाने से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसके विरोध में बैजापुर स्टैंड पर बुधवार को पेड़ गिराकर सड़क को जाम कर दिया। और इन सब के बीच चुनाव आयोग की फुल बेंच की टीम पश्चिम बंगाल का दौरा करने वाली है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा चरम पर है। राज्य में आए दिन बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाते हैं। इन सब के बीच चुनावी बयानबाजी भी चरम पर है। बीजेपी ममता पर हमलावर है, वहीं ममता भी बीजेपी पर हमलावर है। ममता बनर्जी चुनाव जीतने का दावा कर रही हैं, वहीं शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के जीतने पर राजनीति छोड़ने का दावा कर रहे हैं। पार्टी स्तर से भी कई तरह के वार किए जा रहे हैं। बहरहाल अब देखना यह है कि चुनाव आयोग की टीम के दौरे के बाद वो अपना क्या रिपोर्ट सौंपती है, झंडे फाड़ने का दोषी कौन होता है और बीजेपी और टीएमसी के बीच जारी बयानों की जंग और बढ़ रही है इसमें, और क्या क्या आरोप प्रत्यारोप निकल कर सामने आते हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।